अरे hey गाइस कैसे हैं आप लोग एक न्यू एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है और थैंक यू फॉर ऑल द लव यू बिन सेडिंग ऑन मी ऑन दिस चैनल फॉर द प्रीवियस वीडियोस विच आई अपलोडेड हियर एंड आप लोग का बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आया कि इंडियन फुटबॉल के ऊपर ऐसे वीडियो बनाते रहना चाहिए तो आई विल बी मेकिंग मोर इंडियन फुटबॉल कॉन्टेंट एंड दैट यू कैन एक्चुअली गेट इट तो आज का जो आप थमनल देख के पता कर लिए होंगे कि किस बात पर हम लोग आज अपना डिस्कशन करने वाले हैं तो जो डिस्कशन होने वाला है गाइज दैट इज़ वेरी सैड टू इवन हेयर कि हमारे अपने गवर्नमेंट हमको ये बैन दे दिया है बैन तो नहीं कहेंगे एक तरीके से हम लोग को एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया है इन अ सेंस आई डोंट नो वाई इज इट मैटर्स बट लाइक यू नो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी दैट इंडियन फुटबॉल बीन हैम्पर्ड बाई द गवर्नमेंट इट सेल्व सो मच कुछ दिन आगे हम लोग एक फोटो देखे थे जहाँ हम लोग देखे हमारे प्रेजिडेंट कल्याण चौबे विथ हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जो कि बोले कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड जो कि इन फुटबॉल को चाहिए पर पेपर और बातें में अपने आप ऐप में जो बात होते हैं उसमें हम लोग को नहीं प्रूफ करना चाहिए हम लोग को इसको प्रूफ करना चाहिए भाई एक्चुअली सोइंग दी से एक इंटेंट इंटेंट नहीं है को जैसा लग रहा है कि ये जो हमारे इंडियन फुटबॉल का जो नींव रखा गया है अभी जो सैफ कप जीतने के बाद इंडियन फुटबॉल का जो नींव रखा गया है आगे एडवांसमेंट के लिए एशिया कप के लिए तो वी हैव हाँ टू तो डू दैट इन एवरी लेवल्स नॉट जस्ट इन सीनियर मेन्स टीम बट अंडर 23 अंडर 19 अंडर 17 ऐसे सब में हम लोग को अपना योगदान लाना पड़ेगा तभी ना हम लोग ऐसे खिलाड़ियों को ला सकेंगे जो कि बाद में जाके हमारे इस टीम को हम लोग को वन हिट वन वंडर तो नहीं बनना है ना कि ऐसे जाके एक बार खेल दिया बस हो गया ये टीम रिटायर कर गई फिर से हम लोग चल गए वो ड्रेकोनियन पीरियड में जहाँ हम लोग के पास कोई प्लेयर्स ही नहीं रहेंगे खेलने के लिए ये तो नहीं करना है हम लोग को करना है कि वी हैव टू मेक अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट वेट वी कैन एक्चुअली गेट मोर प्लेयर्स डे इन डे आउट आफ्टर वन रिटायर्स एंड वी हैव ऑप्शन इन द बेंच इन द सब्सटीट्यूट बेंच सो so, ये हम लोग को करने के लिए वी हैव टू इवन इनकलकेट मोर कंपिटेटिवनेस इन दी अंडर 23, थ्री अंडर ट्वेंटी अंडर नाइनटीन अंडर सेवेंटीन फॉर्मैट्स जो कि हम लोग देखें अंडर सेवेंटीन में हम लोग एशिया कप अभी खेल के एंड हाउ गुड द परफॉर्मेंस वॉज सो अंडर ट्वेंटी थ्री के मीन्स को अगर हम लोग वहाँ भेज भी देते आई नो दैट द रूल्स ऑफ माई ओन गवर्नमेंट इज दैट वी हैव टू बी वन टू एट इन रैंक इन एशिया आप लोग सोच सकते हैं कि आप लोग को अपने ही घर में मतलब आपको पढ़ाया लिखाया नहीं जाए मतलब दे विल बी सेंग डैट नो पढ़ाई लिखाई आप लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया आपको कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया और आप लोग को बोला जा रहा है कि क्लास ट्वेल्व पास करके दिखाओ भाई कैसे करोगे आप लोग पहले तो पढ़ना लिखना पड़ेगा ना पहले तो आप लोग को ईवन यू हैव टू गेट सम नॉलेज ऑफ क्लास वन टू क्लास टेन देन यू कैन गो टू क्लास इलेवन एंड देन यू कैन पास क्लास ट्वेल्व यू कान जस्ट इन वन हैंच यू कैन जंप अप टू क्लास ट्वेल्व और आप उसका बोर्ड्स दे के पास हो जाओ दैट इज नॉट डन तो हमारे गवर्नमेंट से कोई इंटेंट नहीं दिखती कोई फीफा लाइक स्टेडियम्स नहीं है जो भी आगे के स्टेडियम्स बने हुए हैं उनमें ही मैचेज होते जा रहे हैं और अभी बोल रहे हैं कि वी हैव टू बी वन टू एट भाई वन टू एट होने के लिए आप सऊदी के टाइप में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो ना हमारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो देखो वन टू एट होते हैं कि नहीं बी ने इन्वेस्टमेंट किया बी ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इतना कुछ किया तब ना जाके आज इंडिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर बन चुका है और मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि ये क्रिकेट मोनोपोली जो है ना हमारे मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में यही हमारे स्पोर्ट्स मार्केट को खा जा रही है क्योंकि वन मोनोपोली बैठ चुका है हमारे इसमें क्रिकेट के लिए मतलब दूसरे से स्पोर्ट्स को हम लोग द कारपेट शविन कर देते हैं जो कि करना नहीं चाहिए बहुत ही ज्यादा गंदा बात है आप लोग यही देखिए यहाँ जैसे कि बात कर लेते हैं ओके में आप लोग देख के जा सकते हैं वहाँ थर्ड टायर टीम का भी जो फैन सपोर्ट होता है फुटबॉल में आपको देख के पता नहीं चलेगा कि ऐसा भी हो सकता है और हमारे लिए सेकेंड डिवीजन में कोई नहीं देखने आते तो क्या ही बोल देंगे हम लोग के थर्ड टायर को भी बना के उसमें भी हम लोग फैन सपोर्ट करने जाएंगे इट्स नॉट अप टू फुटबॉल इज नॉट जस्ट कोलकाता और केरला और एनी अदर पार्ट्स इट इट कूडेंट बी इन पॉकेट्स इट हैज टू बी दी होल एंटायर कंट्री वी हैव टू कम फार एंड वी हैव टू कम अड ऑफ दोज मिडियोक्रेटीज विच वी हैव सेट इन इन आवर फुटबॉलिंग सोसाइटी तो ये चीज़ एक है भाई वन टू एट नहीं है तो नहीं भेजेंगे भाई आप लोग को भेजना चाहिए हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए अंडर ट्वेंटी थ्री इज पॉजिटिव टू परफॉर्म उन्होंने बहुत अच्छा खेला दे इवन हैव मोर टेक्निकल एबिलिटीज देन आवर मेन सीनियर टीम सो ये हम लोग को ये करना चाहिए बिकॉज दे विल ओनली कम टूमोरो इन आवर ओन टीम टू मेक द टीम मोर स्ट्रांगर तो आप लोग अगर उनको ही नहीं भेजोगे तो किनको भेजोगे फिर तो दिस इज हैज़ टू बी वेरी मच कैन सीरियसली हाँ अभी बोला गया है कि हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है प्रभाकरण जी वो बोले कि हाँ हम लोग एक अर्जी डालेंगे मंडे को पहला यही होगा कि वी विल एक्चुअली पुट देर इज़ अ प्रोविजन ऑफ एक्चुअली पुटिंग एंड एक्चुअली प्रूविंग द पॉइंट दैट इट विल बेनिफिट अस सो दिस थिंग हैज़ टू बी मेड क्लियर टू अरे ओलंपिक एसोसिएशन को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को जहाँ की करे टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो कि इवन हायर में और भी ऊपर है उनको साबित करने के लिए भाई साबित करना पड़ेगा हम लोगों को क्या एक स्पोर्ट्समैन को भेजने के लिए आपको साबित करना पड़ता है यही आप सोच लीजिए हम दूसरे डोमेन में अगर बात कर ले तो हैव टू प्रूव दैट दे आर एक्चुअली गुड भाई बात की बात है ये सब छोड़िए क्या ही बोलेंगे अब जो भी है मतलब ये हम लोग के इंडियन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि दिस इज वेरी मीडिया मेकिंग ओन रूल्स एंड मेकिंग योर ओन टीम बैक हम लोग जहाँ देख रहे हैं नेपाल के इंडोनेशिया के जो कि हम से बहुत ही पीछे रैंक में है कि वो लोग आज ये सब गेम्स खेल रहे हैं और ये जस्ट आज का नहीं है दिस इज़ एक्चुअली बिन रन फॉर टू सन्जिक्यूटिव ईयर्स इसके पहले वाले भी ईयर में ऐसा ही हुआ था हम लोग को नहीं भेजा गया था एशियन गेम्स के लिए आप अगर देखिएगा वी आर द विनर्स ऑफ टू गोल्ड इन एशियन गेम इन लाइक फिफ्टीज़ एंड देन एशियन गेम्स नाइनटीन सेवेंटी जहाँ की हम लोग को थर्ड प्लेस ब्रॉन्ज मेडल मिला था तो अब सोच लीजिए हम लोग ऐसे भी नहीं है कि हम लोग कभी परफॉर्म ही नहीं किए इस गेम के तो फिर ऐसा मीडियोक्रिटी क्यों ऐसा ऐसा थिंकिंग क्यों कि हम लोग को फिजेबल नहीं है जहां कि हम लोग के सब दूसरे स्पोर्ट्स के ओलंपिक के लेवल के जिसने भी जिसने दूसरे स्पोर्ट्स हैं वो लोग जा रहे हैं वाई वाई इज दिस मीडियोक्रिटी आई डोंट नो हमको ये पता चलेगा देर इज अ होप दैट आवर जनरल सेक्रेटरी विल आस्क दिस टू ओलंपिक बोर्ड देखते हैं क्या होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में क्या होता है माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज दैट प्लीज लेट आवर अंडर ट्वेंटी थ्री पीपल गो प्ले एंड गेट एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के बिना कुछ नहीं हो सकता दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड बस यही कह सकते हैं कि आज का जो ये न्यूज़ है दिस इज समथिंग वेरी अंडरमाइनिंग आवर ओन पोटेंशियल्स आपको क्या लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर डू सब्सक्राइब टू द चैनल डू हेल्प द चैनल ग्रो एंड आई एल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट एपिसोड टिल देन आप मुझे दूसरे सोशल हैंडल्स में भी फॉलो कर सकते हैं जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इन माय इंस्टाग्राम आल्सो इन माय ट्विटर आई एल मीट यू इन द नेक्स्ट वन टिल देन पीस